वे भारत के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार हैं। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन हैं। उनकी उपलब्धियों से रिकॉर्ड बुक्स भरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर की। लेकिन क्रिकेट को कई मनोहारी पारियां देने वाले गावस्कर ने एक ऐसी भी पारी खेली है जिसे उनके फैंस तो छोड़िए, वो खुद भी कभी याद नहीं करना चाहते। ये पारी खेली गई थी दुनिया के पहले वनडे वर्ल्ड कप की पहली पारी में। तब गावस्कर ने 174 बॉलों का सामना किया था और बनाए थे सिर्फ 36 रन। जी हाँ, आज यानी 7 जून की तारीख का संबंध इसी दिलचस्प वाकये से है। सात जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान की वो सुबह बड़ी उमंग लिए हुई थी, क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के गवाह बनने जा रहे थे। भारत के लिए ये और भी खास इसलिए था क्योंकि पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 ओवर्स में 4 विकेट पर 334 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारतीय फैंस को पता था कि टीम इंडिया इस टारगेट को शायद ही छू पाए, पर वो फाइट की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। टीम इंडिया पूरे 60 ओवर्स तो खेल गई लेकिन बनाए सिर्फ 132 रन। इस मैच के मुजरिम थे सुनील गावस्कर। वो ओपनिंग करने उतरे, इंग्लैंड की ओर से फेंकी गई 360 बॉल में से अकेले 174 बॉलों का सामना किया और नाबाद पवेलियन भी लौटे। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक चौके की मदद से बनाए सिर्फ 36 रन। उनका स्ट्राइक रेट 20.69 रहा। नतीजा उनके इस पारी की बदौलत भारत ने ये मैच 202 रनों से गंवा दिया। अहम ये है कि इतने बड़े अंतर से मैच हारने का यह वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बन गया, जो अगले 27 सालों तक बना रहा। गावस्कर की पारी का आलम यह था कि वहां मौजूद कुछ भारतीय फैंस खींच उठे। उनमें से कुछ तो दौड़कर मैदान में भी आ गए और गावस्कर के पास जाकर उनके ही सामने उनकी आलोचना भी की। लेकिन गावस्कर अपने ही धुन में खेलते रहे। हालांकि बाद में खुद गावस्कर ने कहा कि वे आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्होंने दावा किया कि अपनी पारी के दौरान उन्होंने खुद आउट होने की कोशिश भी की थी। हालांकि गावस्कर का यह तर्क गले नहीं उतरता, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अगले ही मैच में उन्होंने 86 बॉल में 65 रनों की 23 पारी खेली थी। कहा जाता है कि गावस्कर ने वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप का विरोध करने के लिए ऐसी धीमी पारी खेली थी, या फिर वे श्रीनिवास वेंकट राघवन के कैप्टन बनाए जाने से नाराज थे। बहरहाल, इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत केवल एक ही मैच जीत पाया और बुरी तरह से लुटपिट कर स्वदेश लौटा। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर जल्दी से निगाह मार लेते हैं। 1963, अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के इरादे से 32 देशों ने अफ्रीकी संघ का गठन किया। 1985, बांग्लादेश में भारी तूफान के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत। 1991, इसराइल ने 14,000 यहूदियों को इथियोपिया से निकाला। 2008, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया रोबोट आज ही के दिन मंगल ग्रह पर उतरा। 2013, जापान के 80 वर्षीय योशिरो मिडरा ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे कोई नई अनसुनी कहानी। तब तक के लिए देखते रहिए एडिटर जी।